जहाँ निधि बन अभी गए थे ना वहाँ शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल था भाई, लेकिन वहाँ पे तीन मंदिर है बेसिकली। ये देखो भैया ओप्पो का फोन है, ओप्पो पोपो के पास है अभी। तो भैया जैसे तैसे करके मंदिर में पहुँच गए, इतना ज़्यादा भीड़ है ना भाई, आप चेकआउट करो। एक कैमरा बंद कर दो। गुड इवनिंग गाइस एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग माय चैनल, स्वागत है आपकी नए वीडियो में। तो हम आ गए अभी निधि वन, यहाँ पे जो वृंदावन है ना, यहाँ पे 5500 काइंड ऑफ मंदिर है, 5500 एक छोटा सा रेडियस है ना। अभी हम आ गए निधि वन में और अब देखो कितने सारे मंदिर है, क्या चेकआउट करो। हर जगह से आपको मंदिर ही मंदिर मिलेगा ना, हर जगह ये मंदिर। अब जैसे निधि वन एंटर करेंगे आपको ऐसे गलियाँ मिलेगा ना, गलियों के अंदर जाना है। अब निधि वन का ये कहानी है, ये एक वन है जहाँ पे कृष्ण भगवान राधे के साथ और सारी गोपियों से रासलीला करते हैं। और इनफैक्ट ये माना जाता है कि अभी भी रात को ये रासलीला करते हैं, इसे रात को निधिवन बंद रहता है और कोई भी अलाउड नहीं है निधिवन में ना। तो ये सीन है भाई। और अगर आपको निधिवन के बारे में बताया है तो ये बासिल का फॉरेस्ट है ना, जैसे तुलसी पत्ता का फॉरेस्ट है, वो ऐसा कुछ सीन है ना। तो अभी जाके देखते हैं एग्जैक्टली क्या है और गलियों में भीड़ इतना ज़्यादा ना, अभी चेकआउट करो। तो मुझे बंदर हो जाए डिजाइन के लिए ना, और ये तलाश है रखते कि एग्जैक्टली कुछ मिले थोड़ी करने के लिए। शूज खोल के जाना है क्या? तो ऐसा कुछ प्रवेश द्वार है ना, ये ऐसे गलियां हैं और इस पे जाना हमें। और तो अभी कहते हैं ना इन लोगों ने इस चीज़ को ढक दिया है, ये अंदर जो अभी देख रहे हो ये सारे बन है ना, इसके अंदर ही जो आप देख रहे हो ये सारे तुलसी पत्ता जो इसको पूजते हैं ना उनका पेड़ है ये सारे। और ये मतलब एक वक्त ये पूरा खुला हुआ होगा, बट अभी इसको मतलब स्टोर कर रखा है कि कोई मतलब तोड़े ना पत्ता को या जो भी कुछ ना करे, इसको डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए इस तरीके से बांस के इसमें ना इसको पैक कर रखा है। यार यहाँ तो बहुत ख़राब सीन है यार, ऊपर ना बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो कैमरा लेके कभी कोशिश करता है कैमरा ले जाने का, कभी कैप ले जाने की कोशिश करता है। ये पूरा वन है और इसको ना इस तरीके से ढका हुआ ना ऐसे बैम्बू से, ताकि मतलब बंदर आगे डिस्टर्ब ना कर सके। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे यार, भीड़ देखो कैसा है। एक कैमरा बंद कर दो। तो भैया हम जिधर भी चल रहे हैं ना, ये बैम्बू से घेरा हुआ है, इसलिए घेरा हुआ है क्योंकि बंदर बहुत परेशान करता है। और साइड में जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारे बेसिल के प्लांट है ना, मतलब वो तुलसी के पत्ते के पेड़ है ना। सीन ये कि बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे, एक तो बंदर परेशान कर रहा है, ऊपर से भीड़ भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अलग सीन है। यहाँ के बारे में आपको बताएंगे, जैसे बाहर निकलते हैं आपको इस प्लेस के बारे में बताते हैं, आपने दर्शन कर लिया क्या, मंदिर नहीं है बस, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के यार, मतलब कि हम उसी वन में जा रहे हैं जहाँ पे ओ भाई बंदर देख रहे हो, सर ऊपर बंदर है यहाँ भाई, ये यहाँ पे मेन पंगा है। यहाँ पे जो व्लॉग कर रहे हो ना तो बंदर का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये दिखाता हूँ बंदर का ना, ये देखो ये बंदर जा रहा है, ये दिखा ये बंदर जा रहा है, ये क्या। तो ये यहाँ पे सीन है, आप जब व्लॉग कर रहे हो एक तो बंदर बहुत डिस्टर्ब करता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब कि आप उस वन में चल रहे हो जिस वन में ओ भाई ये देखो ऊपर बंदर। अब अगर मुझे हाथ ऊपर करूँगा तो ये कैमरा लेके भाग जाएगा ये सीन। बट मज़ा आ रहा है भाई, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर मेरे घर से कोई मेरे घर से कोई ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी पापा, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत सही है सीन यहाँ पे। कुछ आर्किटेक्चर किया हुआ है यहाँ पे, आप ये देखो मतलब राधे राधे। अब यहाँ जहाँ भी देखो ना सब जगह जाला लगा हुआ है, देखो जाला, ये ऊपर भी जाला, मतलब हर जगह जाला ही जाला, ताकि ना मतलब बंदर आके डिस्टर्ब ना करे। अगर बंदर नहीं हो तो शायद हमें उधर अंदर जाने को मिलता, मतलब ये जैसे वन है ना ये वन जाने को मिलता, बट है तो अब कोई सीन ही नहीं है जाने। बट यहाँ से निकलते हैं, सोच रहे अभी जैसे प्रेम मंदिर निकलेंगे तो पहले निकल जो भी सीन होगा आपको दिखाते आगे जाते। तो फाइनली जाके एक ऐसा जगह मिला जहाँ से मैं बेस्ट तरीके से वो दिखा सकता हूँ कि ये वन कैसा दिखता है। तो ये वो जगह है ना, ऐसा कुछ वन दिखता है, ये पूरा निधि वन है ना, ये पूरा इस तरीके का पूरा वन है। और वन के बीच में ना बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं, बहुत सारे मंदिर मिलते हैं जहाँ पे जाके आप देख सकते हो ना। तो बस ये सीन है, बाकी बातें हम बाहर जाके करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई।
शूज़ आपको बाहर ही रख के आना पड़ेगा, जैसे हमने बाहर रख दिया था ये, यहाँ पे शूज़ रखे थे, तो शूज़ देते हैं, शूज़ पहनते फिर बाहर जाकर आपसे बात करते। तो मुझे लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लेना है, यहाँ पे बहुत सारे वस्त्रों को मिल जाएंगे, बहुत सारे रेंजेस के। एग्जैक्टली मेरे को ये नहीं पता कि किस साइज का है गोपाल हमारे घर पे, है ना, तो मैंने पूछा है अभी किस साइज़ का गोपाल है, उस साइज़ का मैं मतलब वस्त्र लूँगा। ये सारे वस्त्र साइज़ के हिसाब से 120, 100, 200, 150, तो इससे करेंगे। एक लेते हैं मेरे को, तो मुझे ये पसंद आ रहा है, तो देखते कौन सा लेते हैं। तो भैया जो खतरा था मतलब जो डर था वही हुआ, अभी ना इनका मोबाइल लेके चला गया है बंदर, और पता नहीं क्या सीन है यार, मतलब ये अजूबा सीन है भाई बिल्कुल। यहाँ पे तो मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, खौफ है खौफ। अभी देखो भाई ये जो बंदर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये ना मोबाइल रखा अपने हाथों में ना, तो ये सीन होता है यहाँ पर मोबाइल। ये देखो भैया ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो पोपो के पास है अभी तो उस बंदर का नाम है पोपो, पोपो के पास ओप्पो का फ़ोन है। अब पता नहीं ये फ़ोन देगा नहीं देगा, अब वो खिला ले लिया और वो फ़ोन पकड़ लिया, वो देखो खीरा खा रहा है और फ़ोन हाथों में पकड़ा हुआ, क्या चक्कर है भाई। सही है भैया फ़ोन नहीं देगा आज, ये सीन है भैया। अगर ये सीन चल रहा है, ये सीन देखने को आया वृंदावन में। तो फाइनली हम निधि भवन से बाहर निकल गए, और निधि भवन में शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल था ना भाई, मेरे व्लॉगिंग करिएगा सबसे ज़्यादा टफ अगर मैंने कहीं व्लॉग किया हो ना, तो यहाँ पे बंदर इतना परेशान। अभी आपने देखा होगा वीडियो, ओप्पो का फ़ोन भाई का लेके चला गया, अब उसने सब सामान दिए उसके हाथ में कुछ पकड़ने को, जब उनके हाथों को भर दिया ना खाने से, तब वो फ़ोन फेंका नीचे, तो ये पंगा है भाई। लेकिन मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना भाई, इतना बढ़िया लोकेशन है ना, और सामने यमुना नदी है और बोट्स है, अब बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार है भाई। ये चेक करो, वाओ सही है ना भाई, मतलब यहाँ पे लोकेशन इतना बढ़िया है ना भाई, मतलब इतना सही लोकेशन है यहाँ पे, बगल में नदी मिलेगा, बगल में मंदिर मिलेगा, और ये वाला सीन है भाई, बहुत ही बढ़िया वाइब है भाई। और थोड़ी देर का हलचल आपको दिखाते हैं, एग्जैक्टली हलचल कैसा है इधर का, ऐसे ना झंडे लगे हुए और आगे मंदिर है, मतलब यहाँ पे तो इतना सारा मंदिर है ना, टोटल 5500 टाइप्स ऑफ मंदिर है, सारे राधे कृष्ण जी का है, तो मतलब एक ना वाइब है, ऐसे नाव है ना, ऐसे नाव है। बहुत ही सही है भाई, बहुत ही झकास भैया। इस मंदिर को देखो भाई, कितना पुराना, कितना ज़्यादा पुराना है, आई डोंट नो कितने साल पुराना होगा, शायद मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के टाइम में होगा। इसका ईटा चेकआउट करो कैसा है ना, बहुत हिस्टोरिकल काइंड ऑफ मंदिर है भाई। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 5500 काइंड्स ऑफ मंदिर है ना, सारे मंदिर का अलग अलग टाइप का यू नो इम्पोर्टेंस है, अलग अलग टाइप का हिस्टोरिकल रीजंस है। जो मेन मंदिर है वो वही हम कवर करते हैं यहाँ पे, बाकी गरीब मंदिर और ये सब मंदिर, बट और भी यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मंदिर, 5500 काइंड ऑफ मंदिर, सोच लो कितना ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ पे मेंट होगा। पीछे जो मंदिर देख रहे थे ये भी अलग काइंड ऑफ मंदिर है ना, बाकी यहाँ का वाइब्स बहुत अच्छा है भाई, मतलब सुकून है यहाँ पे ना, जब ना किसी मंदिर के जैसे बाहर नदी रहता है, मतलब वो वाला हलचल है यहाँ पे। ये चेकआउट करो, जहाँ निधि वन अभी गए थे ना वहाँ शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल था भाई, लेकिन वहाँ पे तीन मंदिर है बेसिकली, बाकी वन का जो सीन इतना बढ़िया है भाई, इतना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। और जो पेड़ है ना तुलसी पेड़, वो बहुत ही पुराना पेड़ है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा भाई देख के, मतलब सुकून सा मिला मेरे को देख के कि हाँ भाई यहाँ ये वही जगह जहाँ पर राधे कृष्ण जी रासलीला करते हैं। अभी चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ और सीन चेकआउट करते हैं, प्रेम मंदिर का क्या है, यहाँ से निकलते हैं। व्लॉग शायद बहुत लंबा हो जाए, तो मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट नहीं करते, बाकी ये बोट्स नहीं जा रहे ना ऐसे। प्रेम मंदिर का सीन थोड़ा कैंसिल कर दिया, प्रेम मंदिर जस्ट बगल में 1 किलोमीटर की दूरी में ही बाकी बेरे टेम्पल है, तो हम बाकी बेरे टेम्पल में भी आए। ये कुछ गलियां है, गलियों के अंदर टेम्पल है, ये ऐसा गलियां ना, इसके अंदर टेम्पल है, तो जल्दी से बाकी बिहारी कवर करते हैं और फिर हम चलते हैं प्रेम मंदिर फटाफट। कैसे गुलाब? 30 रुपये पर पीस गुलाब, देख रहे हैं आप क्या सीन है इधर। हर मंदिर में एक चीज़ कॉमन है, भगवान कृष्ण और भीड़, ये दो चीज़ कॉमन है बहुत ज़्यादा।
अब बस गलियाँ चेकआउट करो, कितना बढ़िया है ना। मतलब इन गलियों के दोनों तरफ आपको शॉपिंग के सारे सामान मिल जाएंगे और सीधे रास्ते चलते रहो आपको मंदिर आ जाएगा। बढ़िया वही से यार, मतलब सीन बढ़िया यार। मतलब आप ना मतलब गलियों में जा रहे हैं, सारे ऐसे डिवोटी जैसे बैठे हुए हैं और ना मतलब बढ़िया सीन, बहुत ही बढ़िया सीन है। क्या आ रहे आना ब्लॉग में? राधे राधे। हाँ तो ये देखो, ये चश्मा दे गया और फ्रूटी लेके चश्मा दे गया। हाँ यहाँ पे क्या सीन है, आपको सामान को भी ले जाए, फ्रूटी दो चश्मा ले जाए। तो भैया ये वाली गली है ना बाकी बिहारी का, बट इतना ज़्यादा भीड़ कि हम अंदर जा नहीं पाए, तो कोशिश रहेगी कि हम मॉर्निंग में जाए वापस। तो अभी हम इधर रुके लस्सी पीने के लिए, इधर भाई लस्सी बना रहा है, लस्सी पियेंगे फिर आगे प्रेम मंदिर जाएंगे। प्रेम मंदिर जाने का टाइम हो गया, वो 8:30 बजे बंद हो जाता है, तो मतलब कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे वापस से बाकी बिहार जाने का। अभी लस्सी पीते हैं और फिर चलते हैं। तुम तो ये चश्मा चोरी रोज देखते हो यार, हैं? दिन भर में कम से कम 50 चश्मा ले जाते हैं। 50? अच्छा, और फ्रूटी दे दो फिर वो आ जाते देता चश्मा है। भैया ये सीन है, यहाँ पे चश्मा लेके जाता है, फ्रूटी दो चश्मा वापस कर देगा, ये सीन है। रॉकी भैया चश्मा किधर है आपका? उड़ गया। लंबा लाइन बिल्कुल ना, ये लाइन देखो कितना लंबा है भाई। बट इस्कॉन टेम्पल हम नहीं दे सकते भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम भी रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे इस्कॉन टेम्पल देखेंगे। बाकी हम चल रहे प्रेम मंदिर, माहौल बिल्कुल बदल सक गया, मतलब बिल्कुल खाली खाली सा था, बट अभी चेकआउट करो कितना ज़्यादा भीड़ है ना हर जगह। ये भी ये इस्कॉन टेम्पल है ना, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल ये, लेकिन इस्कॉन लिखा हुआ उसमें ना, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन टेम्पल, तो ये अपना इस्कॉन टेम्पल है ना। तो भीड़ चेकआउट करो भाई, कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई। तेज हाथ नमन करते हैं भाई, भीड़ बहुत है, इतना पागलपन वाला भीड़ है ना भाई, मैं वो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस्कॉन टेम्पल शायद नहीं जा पाएंगे, भीड़ चेकआउट करो, देख रहे हो मार हो रहा भाई मार। तो यहाँ पे कुछ भाई गाना गा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा, अब वो दिखाते हैं यहाँ का कुछ हलचल है कैसा है, ये चेकआउट करो। ये प्रेम मंदिर है और भीड़ चेकआउट करो, भाई इतना ज़्यादा भीड़ है वो क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। एंट्री वहाँ से भैया, उधर से एंट्री है, उस रास्ते से एंट्री है ना, इधर से एग्जिट है। मतलब भाई मैं इतना भीड़ ना पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, इतना ज़्यादा भीड़ भाई। ओ भाई भैया, राधे राधे बोल के हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भाई चेकआउट कर रहे हैं। भैया हमारे साथ आंटी भी है, तो भीड़ इतना ज़्यादा है ना, हम एग्जामिन करेंगे अंदर जा पाएंगे भाई, ये भीड़ ऐसा भीड़ जाम पैक भीड़ और अंदर भी भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी, पता नहीं मतलब मैं और रॉकी तो चला जाएंगे बट साथ में आंटी भी है, पता नहीं जा पाए या नहीं जा पाए। तो भैया जैसे तैसे करके मंदिर में पहुंच गए, इतना ज़्यादा भीड़ है ना भाई, आप चेकआउट करो। ओ भाई
फाइनली जा करके हम और तो फाइनली थोड़ा सा खाली जगह मिला। हम प्रेम मंदिर के अंदर आ गए, इतना ज़्यादा भीड़, इतना रश है। पहले वहाँ प्लान था कि नहीं आएंगे यहाँ पे, बट वापस अभी आ गए। तो मंदिर क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है भाई। अब चेकआउट करें मंदिर ना, जस्ट चेकआउट। ये एक छोटा सा शो हो रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांच मुखी सांप के ऊपर खड़े हैं और सांप के मुंह से ना खून निकल रहा है। ये कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे। भाई रश है, करते हैं रश, खराब है हालत। और भैया ये चेकआउट करिए, गोवर्धन पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत का यहाँ पे रूप दिया गया है। ये भगवान कृष्ण पूरे पर्वत को उठा दिए है ना, ये चेकआउट करिए। प्रेम मंदिर भाई कमाल का वाइब्स है भाई, कमाल का वाइब्स। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा। बाकी ये प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर में घूम लिया हूँ, वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ। अगर आपको प्रेम मंदिर आना, मैं रिकमेंड करूँगा आप शाम को घूमने के, क्योंकि शाम को आप ये वाला लाइटिंग्स आपको दिखेगा ना। बाकी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में इस्कॉन टेम्पल कवर करेंगे। तो बस भाई बहुत थकावट हो गया, बहुत थक गए, बहुत भीड़ देख लिए, ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।